जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता विवाद का मामला। कांग्रेस प्रत्याशी का भाई फायरिंग करते सीसीटीवी में कैद हुआ है। लखन घनघोरिया का भाई है जय घनघोरिया। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 इनाम घोषित किया है। 18 नवंबर की रात को विवाद हुआ था, कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी और फायरिंग हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर से, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता विवाद के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी का भाई फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, अपडेट दें खबर पर। देखिए, मैं बता दूं कि बीते रविवार की देर रात जबलपुर के बेलबाग इलाके में, जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में साड़ी बांटने के आरोप प्रत्यारोप को लेकर विवाद शुरू हुआ था और विवाद देखते ही देखते एक बलवे में बदल गया था। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई थी और इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी जो लखन घनघोरिया है, उनके भाई अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और उन लोगों ने भी पत्थरबाजी की और इसी दौरान जय ने जो है एक फायर भी किया था, जिसमें तीन लोगों को जय ने फायर किया। जवाबी फायर बीजेपी की तरफ से भी होता है, जिसमें जय की गोली जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के पेट में लगी थी। वह उसका इलाज जो है जबलपुर के एक निजी अस्पताल में अभी चल रहा है, भर्ती है। और इस पूरे मामले का के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने जो इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी सभी की सीडीआर जब्त करते हुए जब इस सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें जय जो है वह आता हुआ दिखता है और उसके बाद उसके कार्यकर्ता पत्थर फेंकते और उसके बाद जय जो है फायर करके साइड चला जाता है। इस तरीके की घटनाएं हो रही है, क्या पुलिस की जानकारी में नहीं है या सुरक्षा की कमी है, क्या वजह है जो नियंत्रण में नहीं रह रही है स्थिति? देखिए, मैं बता दूं कि पूर्व विधानसभा जो है अति संवेदनशील क्षेत्र है और इसके बाद भी यहाँ पर जो है पुलिस ने हद की जो लापरवाही है सीसीटीवी फुटेज से भी नजर आ रही है, क्योंकि जब तमाम जो चुनाव आयोग के निर्देश थे कि लोग जो है अपने हथियार जो है पहले ही आचार संहिता लगते ही जमा कराए जाएं थाने में, तो पुलिस ने जो इस थाने में हथियार जमा नहीं कराए हैं। अब ये तो पुलिस जांच में पता चलेगा कि जो इन्होंने बहुत सारे सवाल लगते हैं यहाँ पर, एक साथ सवाल खड़े होते हैं, जब अति संवेदनशील इलाकों में ये स्थिति है तो बाकी इलाकों में सुरक्षा को लेकर किस तरीके की स्थिति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।